हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी एक या दो वीडियो, कई सारी वीडियोस आपकी एक टाइप की हैं और दूसरी वीडियोस आपकी डिफरेंट टाइप की है, एक ही कैटेगरी में या डिफरेंट, तो आप प्लेलिस्ट बना के उन्हें अलग से अरेंज कर सकते हैं, ताकि अगर कोई व्यूअर, सपोज कीजिए मेरे चैनल पर अगर कोई आता है वेब डिज़ाइनिंग सीखने के लिए, तो HTML की सीरीज मैंने बना रखी है। साथ ही साथ मैंने YouTube रिलेटेड करके भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पर लोगों को YouTube से रिलेटेड चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, सो फ्रेंड, हम क्या है, प्लेलिस्ट के अंदर अपनी वीडियोस को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक टाइप की वीडियोस को हम एक साथ डाल सकते हैं और बाकी को दूसरी प्लेलिस्ट में। सो इससे यूज़र के लिए, व्यूअर के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है देखना, छाटना कि हमें कौन सी वीडियो देखनी है। सीरीज़ भी हम, अगर आपने देखा हो कोई भी सीरीज़ अगर हम देखते हैं, या मूवीज़ की, या कोई भी चीज़ मान लीजिए, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीखें तो HTML सीरीज है, तो HTML सीरीज नाम डाल के उसके अंदर 30-32 जितनी भी अपलोड करी हैं यूट्यूबर ने, तो दोस्तों उतनी वीडियो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो हम कैसे बनाते हैं प्लेलिस्ट, चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चैनल सर्च कर लेता हूँ, तो अगर आप डालते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं IT फुल नॉलेज चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आपको आइडिया दूंगा अभी कि आपको, जैसे देखिए आप आ गए यहाँ पर चैनल पे, ठीक है। अब आपको जाना है चैनल के, यहाँ पर देखिए वीडियोस का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको पास में दोस्तों आपको मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल रहा है प्लेलिस्ट का ऑप्शन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देख पाएँ, देखिए HTML ट्यूटोरियल सीरीज, देखिए 31 वीडियोज़ हैं इसके अंदर। देखिए कंप्यूटर बेसिक सीरीज या ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, इसमें दो ही डाली हैं, कंप्यूटर बेसिक की मैं आगे पूरी डालने वाला हूँ, यूट्यूब रिलेटेड, अगर कोई यूट्यूब के बारे में जानना चाहता है जो अंदर की चीज़ें वो सब कैसे होती हैं, और कंप्यूटर ट्रिक्स की भी अभी 9 वीडियो डाली हैं, और ये मैंने अपनी डाली हैं ऐसी कुछ वीडियोस, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की न्यूज़ भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैसे प्लेलिस्ट बनाएंगे अपने यूट्यूब वीडियोस से, जो आपने वीडियो डाली हैं उन्हें कैसे प्लेलिस्ट में अरेंज करेंगे, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे होगा क्या, इससे होगा ये, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे चैनल पर, तो आपको अपने डिवाइस पे, अपने फ़ोन पे, नॉर्मली फ़ोन पे चलाते लोग, तो आपको फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ भाई IT फुल नॉलेज चैनल ने वीडियोस नहीं डाल चुके हैं। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट बनाने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो सारी वीडियो जो एक टाइप की होती हैं वो जो है अरेंज हो जाती हैं इजीली अच्छे से, ताकि व्यूअर को भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, एक तो अरेंज हो जाती हैं अच्छे से, और साथ ही साथ उसमें सपोज़ कीजिए, जैसे मैं एडिटिंग की वीडियो अगर देखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एडिटिंग की वीडियो देख रहा हूँ, अगर मुझे एक अच्छी लगी, तो सीरीज अगर चल रही है, प्लेलिस्ट खोल रखी है, अगर मैंने प्लेलिस्ट ओपन कर रखी है, तो होगा क्या, मैं फर्स्ट वीडियो भी देखी, मैंने सेकंड भी देखी, मन करा मैंने थर्ड भी देखी, क्योंकि मुझे अच्छी लगने लगी, तो वो प्लेलिस्ट के अंदर थी, तो इसलिए एक साथ खुलती गई। पर अगर प्लेलिस्ट नहीं बनाई होती तो क्या होता, नीचे और यूट्यूब चैनलों के सजेशन आने लगते नीचे कि ये देखो वो देखो वीडियो। तो फ्रेंड्स, यही वो फ़ायदा है जो प्लेलिस्ट बनाने का है। और साथ ही साथ अगर आपकी वीडियो रैंक कर जाती है यूट्यूब पर, अगर कोई सर्च करता है टॉपिक और फर्स्ट पेज पर अगर आपकी प्लेलिस्ट लग गई, तो दोस्तों आप खुश हो सकते हैं। एक तो है वीडियो लगी, अगर वीडियो लगी तो केवल लोग एक वीडियो देखेंगे या दो वीडियो देखेंगे, पर अगर प्लेलिस्ट आपकी रैंक कर गई तो कोई उस वीडियो खोलेगा तो उसके साथ वाली भी अपने आप नेक्स्ट प्ले हो जाती है, जैसा कि आपने देखा है। तो देखिए, आपको मैं नए चैनल से बता रहा हूँ कैसे आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि जो बना बनाया चैनल है उसमें तो ईजिली दोस्तों हो जाता है। मैं आपको न्यू चैनल में दिखाऊंगा बिल्कुल। देखिए ये रहा, तो अभी हम अपने चैनल पर आ जाते हैं। देखिए, मैंने अपने चैनल से ही, न्यू चैनल जो बनाया था उसी से ही मैंने साइन इन कर चुका हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप आ गए सेटिंग पे जाके। अब देखिए आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे व्यू एडिशनल फीचर्स। ठीक है, पहले आप सेटिंग पे आए, फिर आपने क्लिक किया व्यू एडिशनल फीचर्स। अब दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा पास से, तो देखिए आपको इसी पे ही क्लिक करना है। देखिए आपको इसी पे क्लिक करना है, वीडियो मैनेजर पे। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पे दो वीडियो हम डाल चुके हैं, देखिए मैंने अभी भी डाली है ऐसी, फॉर एग्जांपल आतिफ असलम की, ना मैंने डिस्क्रिप्शन दिया ना कुछ किया है, खाली एज ए प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए लाइव, ये कोई चैनल में मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है, चैनल चलाता नहीं। देखिए यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है वीडियोज़ के नीचे ही, प्लेलिस्ट का ऑप्शन, जी हाँ आपको इसी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट देखिए, अभी देखिए कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी है, तो जब आप शुरुआत में आएंगे तो देखिए आपके सामने भी कुछ ऐसा ही दोस्तों देखने को मिलेगा कि कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी है, ठीक है, तो आपके सामने भी ऐसा ही कुछ आएगा। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट का नाम दे दीजिए, मान लीजिए हम लिख रहे हैं आतिफ असलम सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं, देखिए आप अगर ध्यान से देख पाएँ, देखिए यहाँ पे लिखा रहा आतिफ असलम सॉन्ग्स, और देखिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अगर कोई प्लेलिस्ट खोलता है वीडियो में यूट्यूब पे तो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन भी लिखना जरूरी होता है, जिससे पता लगा सके, जिससे जो है रैंकिंग में भी फ़ायदा मिलता है उससे रिलेटेड, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। देखिए आपको यहाँ मिल रहा है ऑप्शन ऐड वीडियोज, आपको इसी पे क्लिक करना है प्लेलिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए जितनी आपने वीडियो अपलोड करी होंगी तो आपसे पूछेगा आप कहाँ से वीडियो लेना चाहते हैं, देखिए मैं योर यूट्यूब वीडियोज़ में जाता हूँ, देखिए अभी हमने दो वीडियो दोस्तों अपलोड किए हैं, तो आप देखिए कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए और नीचे भी सेलेक्ट करा, और दोस्तों अब आप देख सकेंगे, देखिए आपको नीचे यहाँ पर ऐड वीडियोस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, देयर आर नो वीडियोस, देखिए आपको अगेन जाना है योर यूट्यूब वीडियो, लगता नहीं हुई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगेन दिखा देते हैं, सेलेक्ट किया और दोस्तों नीचे आते हैं, देखिए ऐड वीडियोस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर आप देख पाएँ, देखिए आप ये आ गया आतिफ असलम, ये रहा और ये रहा, देखिए दो जो हम सॉन्ग थे वीडियो बिल्कुल, देखिए दोनों प्लेलिस्ट के अंदर आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए माई चैनल पे जाते हैं, या फिर देखिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं चैनल पे, यहाँ से भी ऑप्शन होता है आप, पर यहाँ से थोड़ा लंबा होता है ऑप्शन, थोड़ा ज़्यादा स्टेप देखने पड़ते हैं, ठीक है, पर यहाँ से भी खुल जाता है। व्यू एडिशनल फीचर्स में जाते हैं, अब जाते हैं दोस्तों डैशबोर्ड में, और अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए व्यू चैनल में आते हैं, चैनल देख रहे हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, देखिए आपको पास से दिखाते हैं, देखिए ये रहा आतिफ असलम सॉन्ग्स, देखिए चार वीडियोज आपको दिख रही हैं, पहली बार दोस्तों ये लग गई थी, हमने देखा नहीं था, देखिए दो वीडियोज थी बट दो बार लग गई, ठीक है, जैसे देखिए मैं खोल लेता हूँ इसे। सो अब आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो ओपन हो रही है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है वीडियो, और साथ ही साथ देखिए साइड वाली वीडियो भी देखिए नीचे आ रही हैं, ये भी यहाँ भी आ रही हैं, वरना नेक्स्ट ऑटो प्ले हो जाती हैं, देखिए ये रही, देख रहे हैं आप 1 2 3 दोस्तों, इस तरह से आप भी इजीली प्लेलिस्ट बना सकते हैं, उससे होगा क्या, उससे आपको व्यूज़ भी मिलने के चांस बढ़ेंगे और आपका डेटा ऑर्गेनाइज लगेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लेलिस्ट बनाने की, चाहता हूँ लंबी ना बनाऊँ, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियोस को, अगर सच में अच्छी लगी, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट्स इट। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए यूट्यूब पे, और अगर आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू आए हैं चैनल पर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्निकल वीडियो देने वाला हूँ आगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, थैंक यू।